Hello everyone, welcome to Avivsa Education for Excellence. I am Ramesh Nishad and today we are going to study class 9 subject English unit 2 reading B, The Peaceful Game, and its writer is Nathan J. Goldberg. And today we will see question answers. So let's see. Answer the following questions. Question 1. Why do you think the poet calls the chase a peaceful game? Do you accept his view? Why? Oblique, why not? Why means क्यों? Think means सोचना या लगना. Calls means कहना या पुकारना. Chase means शतरंज. A peaceful game means एक शांत खेल. Accept means स्वीकार करना या agree होना. View means विचार या फिर दृश्य. Why means क्यों? Why not means क्यों नहीं. Means आपको क्यों लगता है कि कवि ने चेस को यानी शतरंज को एक पीसफुल गेम कहा है? मीन्स पीसफुल गेम मीन्स एक शांत खेल कहा है. डू यू एक्सेप्ट हिज व्यू? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? और यदि सहमत है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, वाई नॉट? आंसर यस. द पोएट कॉल्स द चेस अ पीसफुल गेम बिकॉज इट डजंट हर्ट एनीवन व्हेन इट एंड्स. सो यहाँ पे आ जाएगा हाँ, हम उनके विचार से सहमत हैं. और द पोएट कॉल्स द चेस अ पीसफुल गेम, और कवि ने शतरंज को एक शांत खेल कहा है. बिकॉज मीन्स क्योंकि. इट डजंट हर्ट एनीवन व्हेन इट एंड्स. हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना या दुखी करना. एनीवन मीन्स किसी को. एंड मीन्स अंत में. व्हेन मीन्स कब या जब. क्योंकि जब इसकी जो इसका जो अंत होता है, इस गेम का जब अंत होता है, तो ये किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है. इसीलिए कवि ने शतरंज को एक शांत खेल कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द अपोनेंट्स इन द गेम? हु मीन्स कौन. अपोनेंट्स मीन्स विरोधी. गेम इन द गेम मीन्स खेल में. खेल में विरोधी कौन है, अपोनेंट्स कौन है? सो द प्लेयर्स of the opposite team are the opponents in the game. Players means खिलाड़ी. Opposite team यानी विरोधी जो team है वो. So जो विरोधी team के जो players है वो ही game के क्या है, opponents है, means विरोधी है. Next question है, there are many lines repeated in the poem. Why do you think the poet does so? Many lines means कई लाइने. Repeat means पुनरावृत्ति होना. Repeated means पुनरावृत्ति हुई है. Why means क्यों. Think means लगता है या सोचते हो. So means ऐसा. जो poem है, poem में कई लाइनें repeat हुई है. Why do you think the poet does so? आपको क्यों लगता है कि कवि ने ऐसा किया है? So answer, many lines are repeated in the poem because the poet thinks that chess is a courteous game which is played with family and friends. And nobody gets hurt. So यहाँ पे because means क्योंकि. जो poem है, poem में कई लाइनें repeat हुई है. Because क्योंकि the poet thinks means कवि को लगता है that means कि जो chess है, शतरंज है, is a courteous game. Courteous means होता है सभ्य या नम्र. जो chess है, शतरंज है, वो एक सभ्य game है, एक सभ्य खेल है. Which is played with family and friends. मीन्स जो कि फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ खेला जाता है. एंड नोबडी गेट्स हर्ट. नोबडी मीन्स कोई नहीं, और किसी को इससे कोई हर्ट नहीं होता है. ऑल्सो द पोएट नेवर डिस्ट्रैक्ट हिज अपोनेंट. डिस्ट्रैक्ट मीन्स ध्यान भंग होना. अपोनेंट्स मीन्स विरोधी. सो जो कवि है वो जो है अपने विरोधी से अपना ध्यान भी भटकाते नहीं है. मीन्स उनका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है. The poet wants to convey the message of peace. Convey means बताना या ले जाना. Message means संदेश. Peace means शांति. और जो कवि है वो शांति का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने पोएम में कई लाइनें रिपीट की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, find from the poem five words which are used with their antonyms. जो पोएम है, पोएम से हमें पांच वर्ड्स निकालने हैं. एंड विच आर यूज्ड विद देयर एंटोनिम्स, और जो कि अपने एंटोनिम्स मींस विरोधी वर्ड्स के साथ यूज हुए हैं. तो जो पांच वर्ड्स हैं वो है, फाइव वर्ड्स आर
enemies means shatru, friends means mitra, peace, shanti, war, yuddh, start, prarambh and ant. On means jari rahna ya chalu, off, ban. Act means ek kriya, distract means kriya se dhyan bhatakna. So is tarah se hum 5 words likhe hain jo ki poem se liye gaye hain aur inke jo antonyms hai wo bhi hai. Ab hum dekhenge next, aur jo next hai wo hai figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में हम अलंकार कहते हैं. अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं और जिनके ढेर सारे प्रकार होते हैं. उनमें से हम मेन जो प्रकार है, चार प्रकार, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जिसमें से है फर्स्ट है सिमिली. सिमिली, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और फीलिंग्स यूजिंग लाइक और एज. सिमिली जिसे हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं. उपमा अलंकार का यूज हम कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए करते हैं. बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स मींस जो दो चीजें हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हो, अनलाइक हो, या फिर कोई फीलिंग्स है उनके साथ लाइक और अनलाइक एंड एज. लाइक एंड एज का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं. जैसे एग्जांपल है, द ब्राइट्स ड्रेस वॉज एज वाइट एज अ क्लाउड. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्राइड है यानी जो दुल्हन है, दुल्हन की जो ड्रेस है वो कैसी है. दुल्हन की जो ड्रेस है वो एज वाइट एज अ क्लाउड मीन्स बादल की जितना क्या है, सफेद है. मीन्स बादल एक अलग चीज है और जो ड्रेस है वो अलग चीज है, लेकिन हम ड्रेस की तुलना एक बादल से कर रहे हैं कि ड्रेस की जो कलर है वो बादल की जितना सफेद है. वैसे नेक्स्ट है, दिस हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज अ पैलेस. यानी कि कहा जा रहा है कि यह जो घर है वो पैलेस की जितना सुंदर है. मींस घर एक अलग चीज है और पैलेस यानी महल एक अलग चीज है, बट हम घर की तुलना महल से कर रहे हैं कि यह जो घर है वो महल की जितना सुंदर है. यानी हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे होता है सिमिली मींस उपमा अलंकार. और उपमा अलंकार में हम लाइक एंड एज इन वर्ड्स का यूज करते हैं. अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेटाफॉर. अ मेटाफॉर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और फीलिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज. मेटाफॉर जिसे हिंदी में हम कहते हैं रूपक अलंकार. और ये जो रूपक अलंकार है, मेटाफॉर है, वो भी सिमिली की तरह ही है. बट इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम दो अनलाइक चीज़ों के बीच में या फीलिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं, बट हम यहाँ पे विदाउट यूजिंग लाइक और एज. यहाँ पे हम लाइक या फिर एज का यूज़ नहीं करते हैं. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, बट हम उसी चीज़ को ऐसा बता देते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, Alexander was the lion in the battle. यहाँ पे Alexander को कहा जा रहा है कि Alexander क्या थे. Alexander battle means युद्ध. Alexander युद्ध में क्या थे, एक शेर थे. देखिए शेर एक अलग चीज है, Alexander एक अलग है. means Alexander एक इंसान है और शेर एक जानवर है. और हम कह रहे हैं उनकी बहादुरी को देख करके कि Alexander युद्ध में क्या है, एक शेर है. यहाँ पे हम शेर जैसे हैं या शेर जैसा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं. हम कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर युद्ध में शेर है, मींस डायरेक्ट हम शेर बता रहे हैं. तो वहां पे होता है मेटाफॉर. एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस हाउस इज अ पैलेस. फर्स्ट हमने जो देखा था इस वाले में सिमिले में कि हमने कहा था कि जो घर है वो महल की जितना सुंदर है, यानी महल की तरह वो सुंदर है. बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो घर है, दिस हाउस इज अ पैलेस. यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो घर है वो क्या है, ये घर महल है. मीन्स यहाँ पे होगा मेटाफॉर. और यहाँ पे हम एज या फिर लाइक का यूज नहीं करते हैं. सो एक सिंपल सा अंतर है सिमिले एंड मेटाफॉर के बीच में. अब हम देखेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट है एन ऑक्सीमोरन. एन ऑक्सीमोरन इज अ फ्रेज using two words of opposite meaning brought together in context. Means oxymoron ऐसे figures of speech है
जो कि दो वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लाते हैं और जिनका मीनिंग भिन्न भिन्न होता है, मीन्स अपोजिट, विरोधाभास प्रकट करते हैं। जैसे स्वीट सारो, सारो एक दुख होता है और दुख कभी स्वीट मधुर हो ही नहीं सकता, मीन्स विरोध प्रकट करने वाले को एक साथ यूज किया जाता है, तो वहां पे होता है ऑक्सीमोरन। जैसे स्वीट सारो, नेक्स्ट है साइलेंट स्पीच, जो स्पीच है, भाषण है, वो साइलेंट नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइलेंट स्पीच, शांत भाषण। वैसी ओरिजिनल कॉपी, सो यहाँ पे एक दूसरे की विरोध करने वाले वर्ड्स यूज होते हैं, वहां पे होता है ऑक्सीमोरन। ओरिजिनल कॉपी, कॉपी का ओरिजिनल, सो इस तरह से। नेक्स्ट है एन एलिटरेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड इन अ सेंटेंस इन सीक्वेंस। एलिटरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार या एलिटरेशन ऐसे अलंकार है जो कि रिपीट करते हैं, रिपीटेशन ऑफ द पर्टिकुलर साउंड, किसी साउंड का बार बार रिपीट होना, इसे कहते हैं एलिटरेशन। जैसे द वाइंड व्हिसल्ड ऑन द वे, यहाँ पे व एंड व और व साउंड का बार बार रिपीट हुआ है। यदि एक ही साउंड बार बार किसी सेंटेंस में, किसी फ्रेज में रिपीट होते हैं, तो वहां पे होता है एलिटरेशन। वैसे ही नेक्स्ट है द फेयर ब्रिज ब्लू, ब एंड ब साउंड का रिपीटेशन, सो यहाँ पे एलिटरेशन हुआ। तो इस तरह से हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के फोर काइंड्स के बारे में जान लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है पिक आउट द सिमिलीज, मेटाफोर्स, ऑक्सीमोरन्स, एलिटरेशन्स यूज्ड इन द पोएम, मीन्स पोएम में जो यूज हुए हैं सिमिलीज, मेटाफोर्स एंड ऑक्सीमोरन्स एंड एलिटरेशन, उनको हमें क्या करना है, पिक आउट करना है, निकालना है। सो सिमिलीज, सिमिले है आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ पेस, इट्स मोर लाइक अ वॉर और अ फाइट, सो यहाँ पे सिमिले है इन दोनों सेंटेंसेस में। मेटाफोर्स, मेटाफोर्स है ऑन द बोर्ड वी आर इनिमीज, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेटाफोर है, क्योंकि यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है कि हम बोर्ड पे क्या है, इनेमी है, हम शत्रु है, जबकि वो ओरिजिनल में शत्रु नहीं है, बट सीधा बोल रहे हैं कि हम शत्रु है, कहाँ पे, बोर्ड पे गेम खेलते टाइम, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स, बट जो बोर्ड के बाहर यानी खेल के बाहर हम क्या है, फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे मेटाफोर है। ऑक्सीमोरन डिस्ट्रैक्ट माय ओपोनेंट्स, यहाँ पे है नेवर पीस, यहाँ पे Nobody gets hurt when it ends, यहाँ पे है not really gentle, यहाँ पे भी oxymoron है। Alliteration, alliteration में है जैसे I play it with family and friends, यहाँ पे f ये जो sound है वो बार बार repeat हुआ है, तो यहाँ पे है alliteration। So इस तरह से हमने figures of speech के four kinds के बारे में जान लिया है, और ये जो examples है ये पोएम से लिए गए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्राई टू राइट राइमिंग लाइंस यूजिंग द हिंट्स प्रोवाइडेड, यहाँ पे राइमिंग लाइंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, सो यहाँ से हमें सेलेक्ट करके, पोएम से सेलेक्ट करके लिखने हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आई लाइक द गेम ऑफ चेस एज इट नेवर स्कैटर्स मेस। सेकेंड है आई प्ले इट विथ फैमिली बट नो वन मेक्स बली। थर्ड है वी प्ले डे एंड नाइट बट वी नेवर फाइट। फोर्थ है इट्स मोर लाइक अ वॉर विच इज वेरी वेरी फॉर। फिफ्थ है देयर इज नेवर पीस इफ वी डोंट प्ले विथ इज। सो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.